सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस तरह के ट्रेंडिंग वाले नवरात्रि वाली इमेज क्रिएट कर सकते हो, उसको वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, सारा आप लोग को इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो आप लोग को पता ही होगा कि दोस्तों अभी का टाइम में नवरात्रि चल रही है, तो इस तरह का वीडियो, इस तरह का इमेज अभी का टाइम में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस तरह का वीडियो अभी का टाइम में जो भी क्रिएट कर रहा है दोस्तों, उसको मिलियंस में व्यूज आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप लोग जो इस तरह का इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसको वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल करना। चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए दोस्तों सिंपली आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। इस तरह से प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है बिंग। इस तरह से बिंग लिख करके सर्च कर देना है। देन आप लोग का सामने ये वाला ऐसे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एक बिंग एप्लीकेशन आ जाएगा। देन आप लोग को यहाँ से इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पहले से ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तो आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह से दोस्तों ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आपने इसको पहली बार यूज कर रहे हो दोस्तों, तो आप लोग को जो है इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर देख सकते हो आप लोग एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। देन आप लोग को उसके ऊपर क्लिक करना, उसके बाद आप लोग को अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आप लोग को सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कोने में देख सकते हो आप लोग को एक ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है, ये वाले। तो आप लोग को ऐप्स वाला ऑप्शन भी क्लिक करना इस तरह से। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक इमेज क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, ये वाले। तो आप लोग को इमेज क्रिएट वाला ऑप्शन भी क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आपका जो भी फॉर्म रहेगा दोस्तों, आप लोग को यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से मैं पेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मेरा फॉर्म कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ। तो इस तरह से फॉर्म आप लोग को मिलेगा कहाँ से दोस्तों, तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हो दोस्तों, उसके बाद आप लोग जो है इस तरह से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ओपन हो जाते हो। तो देन यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पहले से ऑलरेडी डाल के रखा है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर नीचे में देख सकते हो आप लोग फॉर्म पर मिल जाएगा। देन आप लोग को इसके ऊपर इस तरह से लॉन्ग प्रेस करके रखना है। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये वाली। तो आप लोग को कॉपी वाला ऑप्शन मिल जाता है, देन आप लोग को यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप लोग को फिर से ये वाली वेबसाइट पे आ जाना है। ये वाली वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग को यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आपका नाम जो भी है दोस्तों, नाम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर तारानंद, देन यहाँ पर लिखा हुआ है गीता। तो आपको यहाँ पर लड़का का नाम लिख देना, जो भी आपका लड़का का नाम है उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आप लोग का लड़की का नाम जो भी है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को लिख देना है। इस तरह से नाम को क्रिएट कर लेना। नाम को क्रिएट करने के बाद उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, देन ये वाली। तो आप लोग को क्रिएट वाला ऑप्शन भी क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को कुछ 10-15 सेकंड का दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइम लेता है, तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, हमारे इमेज यहाँ पर बन करके कम्प्लीट हो चुकी है। यहाँ पर फर्स्ट में आप लोग को 4 इमेज देखने को मिल जाता है। देन अगर आप लोग को इसमें से कोई भी इमेज पसंद नहीं है दोस्तों, तो सिंपली आपको फिर से यहाँ पर क्रिएट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से आप लोग को दूसरी वाली इमेज चेंज होकर आ जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर भी कुछ टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ पर दूसरी वाली इमेज दोस्तों चेंज होकर आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, हमारा इमेज यहाँ से दूसरी वाली चेंज होकर आ चुकी है। देन जो भी इमेज आप लोग को पसंद है उसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, देन ये वाली। तो आप लोग को 3 डॉट वाला ऑप्शन भी क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आप लोग को यहाँ से पूरा कट कर देना है। इस तरह से कट कर देना। उसके बाद आप लोग को VAN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को VAN एप्लीकेशन को कुछ इस तरह से ओपन कर लेना। इस तरह से VAN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। देन आप लोग को जो भी वीडियो एडिट करके रखा होगा दोस्तों, आपका वीडियो यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। उसके बाद आप लोग को न्यू वीडियो एडिट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्लस वाले बटन पे। देन आप लोग को प्लस वाले बटन पे क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को जो इमेज दोस्तों अभी आपने जो डाउनलोड किया हुआ इमेज आप लोग को फर्स्ट में देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट में आप लोग को देखने को मिल जाता है। आप लोग को इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करना, देन आप लोग को इस तरह से ऐड कर लेना, ठीक है। इस तरह से ऐड कर लेना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक ओरिजिनल का ऑप्शन मिल जाता है, देन ये वाली। तो आप लोग को ओरिजिनल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को यहाँ से 9:16 इस तरह से क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बाइक आ जाना। बाइक आने के बाद दोस्तों फोटो के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को फोटो को कुछ इस तरह से छोटा कर लेना, इस तरह से छोटा कर लेना। उसके बाद आप लोग को लास्ट में आ जाना। लास्ट में आप लोग को एक VAN एप्लीकेशन को वाटर मार्क मिलेगा, सिंपली आपको इस तरह से डिलीट कर देना। उसके बाद आप लोग को वीडियो का लेंथ कुछ इस तरह से जितना भी आपने रखना चाहते हैं इस तरह से बढ़ा लेना। बढ़ाने के बाद आप लोग को इस तरह से फर्स्ट में आ जाना। फर्स्ट में आने के बाद आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक बीजी का ऑप्शन मिल जाता है, देन आप लोग को बीजी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद जैसे कि देख सकते हो हमारे पीछे का बैकग्राउंड जो है दोस्तों यहाँ से रिमूव हो चुकी है, जैसे कि देख सकते हो। तो इस तरह से आप लोग को रिमूव कर लेना, देन आप लोग को यहाँ से ओके कर देना। उसके बाद आप लोग को इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, देन आप लोग को एक्सपोर्ट को क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को यहाँ से नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना।
उसके बाद आप लोग का वीडियो दोस्तों यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से सेव कर लें। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक डन का ऑप्शन मिल जाता है देने वाले, तो आप लोग को यहाँ से डन कर देना, ठीक है, इस तरह से डन कर देना। देन आप लोग को यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद दोस्तों फिर से आप लोग को प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद इस बार आप लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है पावर वीपीएन, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो पावर वीपीएन, इस तरह से लिख करके सर्च कर देना, ठीक है, इस तरह से लिख करके सर्च कर देना। देन आप लोग को यहाँ पर ये वाली पावर वीपीएन आ जाएगा। देन आप लोग को इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखो तो पहले से ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो आप लोग को ऐसे डाउनलोड करके इसको कनेक्ट कर लेना। कट करने के बाद आप लोग को किसी भी गूगल क्रोम को इस तरह से ओपन कर लेना। देन मैं यहाँ से क्रोम को ओपन कर लिया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है हीलिंग फाइनल कैपकट टेम्पलेट 2024, इस तरह से लिख करके सर्च कर देना। सर्च करने के बाद आप लोग का सामने ये वाली वेबसाइट जैसे कि देख सकते हो फर्स्ट में आ चुकी है। देन आप लोग को इसके ऊपर जो है इस तरह से क्लिक कर देना, ठीक है, इस तरह से क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो आप लोग एक टेम्पलेट IN कैपकट का ऑप्शन मिल जाता है। देन आप लोग को इसके ऊपर क्लिक कर देना, इस तरह से क्लिक करना दोस्तों। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा टाइम लेता है कुछ यहाँ पर। देन आप लोग का सामने कुछ इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। इस तरह से वीडियो प्ले होने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। तो आप लोग को टेम्पलेट वाला ऑप्शन भी क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को यहाँ से वही वाला वीडियो ऐड कर लेना दोस्तों, जो वीडियो अभी आपने VN में एडिट किया, सिंपली आपको वो वीडियो यहाँ से ऐड कर लेना, ठीक है, इस तरह से ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद देख सकते हो आपका वीडियो इस तरह से बन करके कंप्लीट हो चुके है दोस्तों। आप लोग भी बना सकते हो वन क्लिक में। उसके बाद आप लोग को इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको सेम ट्रिक है, फिर से आप लोग को यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, देन आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक टिकटॉक ऑप्शन मिल जाता है, देन आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना। आपका वीडियो यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो आप लोग को ये पूरा फुल होने देने, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि देख सकते हो दोस्तों हमारा वीडियो कुछ इस तरह से सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ पर में आप लोग को एक डन का ऑप्शन मिल जाता है, देन आप लोग को यहाँ से डन कर देना, ठीक है, इस तरह से डन कर देना। उसके बाद आप लोग को यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद आप लोग को फोटो को फाइल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमारा वीडियो यहाँ पर फर्स्ट में आ चुकी है। तो इस तरह से आप लोग ये नवरात्रि वाली ट्रेंडिंग वीडियो दोस्तों बना सकते हो। तो वीडियो की जानकारी कैसे लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, और हमारे तारण भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। तब तक मिलते हैं फिर से, बाय बाय।